हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे टाइप्स ऑफ जो विंटर्स के लिए मैं बताने वाली हूँ वो ये है कि आपको विंटर्स है तो ड्राई स्किन होती है, और जिनकी ड्राई होती है ऑलरेडी स्किन, उनकी डबल ड्राई होने स्टार्ट हो जाती है। सो इट्स अ मेजर प्रॉब्लम इन विंटर्स, एवरी गर्ल फेस दिस प्रॉब्लम। एंड आई विल सजेस्ट यू कि आप जब अपना मेकअप स्टार्ट करें तो इसको बहुत अच्छे से प्रेपअप करें, मॉइस्चराइज करें। फर्स्टली जब आप प्राइमर यूज़ करते हैं तो उसके बाद आपको पहले मॉइस्चराइज़र लगा दो, देन यूज़ आफ्टर वेट फॉर 5 मिनट्स, उसको अच्छे से अब्ज़ॉर्ब होने दो और उसके बाद आप प्राइमर यूज़ करो। उसके बाद आप 5 मिनट्स और रुको ताकि वो जब तक आप यू नो सेटल करो अपने मेकअप्स एंड ऑल। उसके बाद आप कोई भी अपना बेस फाउंडेशन लगा सकते हो, या अगर आपको सनस्क्रीन लगानी है, अगर आप सनलाइट में कहीं बाहर जा रहे हो। हाँ, एक और चीज़ कि सनलाइट में सबको लगता है, विंटर्स में सबको लगता है कि सनबर्न नहीं होता है, बट सन टैनिंग नहीं होती है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। विंटर्स में बहुत ज़्यादा होती है। ये डाउट भी मैंने क्लियर कर दिया कि आपको मॉइस्चराइज़र के बाद आप प्राइमर, उसके बाद आप सनस्क्रीन लगाएं, फिर आप प्राइमर यूज़ करें। तो यहाँ तो इससे आपकी स्किन कैनवस जो है आपकी फेस का, तो वो एकदम प्रेपअप रहेगा और मॉइस्चराइज रहेगा। तो अगर आपका फाउंडेशन केकी है तो मतलब इट्स नॉट इन अ लिक्विड फॉर्म जो आपका फाउंडेशन है, तो भी वो थोड़ा सटल लगेगा। और ट्राई करो कि जो अपना स्पॉन्ज होता है वो मेकअप फिक्सर से स्प्रे करके यूज़ करो, और देन डैब इट, उसको ऐसे लगाया नहीं करें, डैब करके लगाओगे तो ड्राई कम होगी स्किन। मैं कौन सा फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, आई यूज़ दिस नायका स्किन शील्ड एंटी पोल्यूशन फाउंडेशन। हाइड्रेटेड रखता है, एंटी पोल्यूशन है, ऑयल कंट्रोल एक्शन है। सो जो हमारे फेस पे एक्स्ट्रा ऑयल होता है, जिसकी ऑयली स्किन है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, और जिनकी नहीं है तो फिर ये इट्स वेरी नाइस। मतलब मैंने जब से इसको यूज़ किया है तो मैंने उसके बाद कोई और फाउंडेशन ट्राई नहीं किया। आई यूज़ सीसी क्रीम, बट मेजरली मतलब आई कैन हाईली रिकमेंड दिस फाउंडेशन फॉर यू गर्ल्स कि आप ये फाउंडेशन यूज़ करें तो इट्स वेरी नाइस फॉर यू ऑल टू यूज़ इट। चलो, तो इसके बारे में था। अगर आप कोई भी जैसे सीसी क्रीम भी होती है ना, वो भी ड्राई हो जाती है। सो अगर आपका ऑलरेडी स्किन मॉइस्चराइज प्रेपअप रहेगा तो वो ड्राई नहीं लगेगा, केकी नहीं नज़र आएगा, राइट। विंटर्स में ट्राई करो लिक्विड फाउंडेशन ज़्यादा, इससे ज़्यादा यूज़ करो, स्टिकी ड्राई फाउंडेशन यूज़ नहीं करें। जो मेजर हैक होता है कि आप फाउंडेशन को जब भी यूज़ करें तो जैसे अगर आपका फाउंडेशन ड्राई है, लाइक सीसी क्रीम ड्राई हो गई है या व्हाटएवर, तो आप उसमें एक लिक्विड मॉइस्चराइज़र डाल दो। मतलब जैसे पॉन्ड्स का चलेगा, क्योंकि पॉन्ड्स नॉर्मली विंटर्स में यूज़ करते हैं, या कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम डाल दी, मिक्स कर दी, उसको अच्छे से मिक्सअप कर दिया, प्रेप कर दिया, उसके बाद अपने डॉट्स के साथ फेस पे लगाओ, तो ये एक बहुत अच्छा हैक हो जाएगा आप लोगों के लिए। और इधर आप कोई अच्छा फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो जो लिक्विड में फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म बेस में हो। विंटर्स के स्किन केयर्स भी बताने वाली हूँ आपको, क्या क्या यूज़ करना चाहिए, क्या क्या नहीं। सो दिस इज़ माय सेकंड हैक व्हिच इज़ ऑन, शायद आपने देखे होंगे, जिन्होंने नहीं देखा मैं उन्हें बता देती हूँ कि ग्लिटरी शैडोज, आई शैडोज भी आते हैं, उसको आप कैसे लगाएं मैं बता देती हूँ। सबका मन करता है कभी कभी पार्टीज़ में ऐसे ग्लिटरी चीज़ें यूज़ करने का, बट द प्रॉब्लम इज़ यू डोंट नो हाउ टू यूज़ इट। और अगर आप यूज़ करते हैं तो वो क्या हो जाता है ना, आईज़ के स्प्रेड होना स्टार्ट कर देता है, आईज़ पे पूरा स्प्रेड हो जाता है। सो वो अच्छा नहीं लगता, और सबको नज़र आने लग जाता है कि आपने ग्लिटरी समथिंग कुछ यूज़ किया। सो आपने ग्लिटर ही समथिंग कुछ यूज़ किया, सो व्हेनेवर यू यूज़ अ ग्लिटर शैडो, तो आप ये मान लें कि अपना जो कंसीलर है उसको लीजिए, ब्रश में लीजिए, अगर लिक्विड है तो भी ब्रश में लीजिए, सॉलिड है तो भी उसका एक ब्रश आता है लगाने का, सो आप उसको यूज़ करते हैं तो उसको लीजिए, और अपने जहाँ आपको ग्लिटर यूज़ करना है वहाँ पर उससे पहले कंसीलर को आप बेस बनाइए आईज़ के ऊपर। उसके बाद जैसे आपको इतना सा आईलाइनर जितना लगाना है,
यहाँ पूरा कवर करना है, तो उस जगह पे आपको लाइनर एक कंसीलर को यूज़ करना है। उसके ऊपर आपको डैप करके ग्लिटर लगाना है, ऐसे ब्रश के साथ ऐसे नहीं लगाना है, डैप करके लगाना है ताकि वो स्टे कर सके। तो इससे आपका ग्लिटर स्टे कर सकता है। अब थर्ड हैक की बारी है, वो क्या है, अगर आपको अपनी आईलैशेस बड़ी चाहिए और आपको चाहिए कि मैं आईलैशेस एक्स्ट्रा नहीं लगाऊँ, इन एक्सटेंशन नहीं करूँ अपने आईलैशेस को, सो विच इज़ अगर आप डेली बेसिस में यूज़ करते तो आईज़ पे कहीं ना कहीं तो इफ़ेक्ट करता ही है वो, राइट। आईलैशेस टूटने लग जाएगी अगर आप डेली बेसिस पे यूज़ करोगे। स्टिल आपका मन करता है कि बड़ी आईलैशेस हो, तो डू वन थिंग, जब आप अपना मेकओवर कर रहे हो तब आप थोड़ा सा लूज पाउडर लेके अपने आईलैशेस के ऊपर ब्रश के साथ उसको लगा दें, तो वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएंगी सारी आईलैशेस, एक साथ जो होती हैं वो सेपरेट हो जाएंगी अच्छे से। और देन यू हैव टू पुट आईलाइनर, तो उससे आपका वॉल्यूम भी दिखेगा अच्छा और स्टे भी करेगा फॉर लॉन्ग, अगर आपको स्टे कराना है उस चीज़ को, और आपकी आईलैशेस थोड़ी बड़ी बिगर दिखेंगी। सो ये था मेरा थर्ड। मेरा फोर्थ हैक ये है कि अगर आपको ये लिप्स, जस्ट सपोज आपको ये लिपस्टिक का कलर अच्छा लग रहा है, मुझे ये लिपस्टिक का कलर अच्छा लग रहा है बट मेरे पास उस इसी कलर का शैडो नहीं है, या व्हाटएवर इसी सेम ड्रेस का मेरे पास शैडो नहीं है, तो क्या कर सकते हो, लिपस्टिक को लो, उसको शैडो की तरह यूज़ कर सकते हो। बस फिर आपको यूज़ करना होगा क्यूट सा स्पंज जिससे आप पूरा अच्छे से स्प्रेड कर सको उसको, और उसके ऊपर लगा दीजिए ग्लिटर, तो सेम मैच हो जाएगा आपका कलर भी और आपका फेवरेट शैडो भी आपको मिल जाएगा। इट्स अ सिंपल फिफ्थ हैक ये हो सकता है कि अगर आपको सेम वही चीज़ है कि अगर आपको कोई लिपस्टिक का कलर पसंद आ रहा है और आपको वही चीज़ अपने ब्लश में भी यूज़ करनी है, तो आप अपनी लिपस्टिक को भी अपना ब्लशर बना सकते हो, जस्ट उसको आप डॉट डॉट करके ब्रश के साथ अच्छे से स्प्रेड कर लें तो वो भी बन जाएगा। सिक्स हैक ये है कि आपको लगता है आपका काजल बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है एंड ऑल, तो अगर आपका अब नहीं चाहते आपका काजल स्प्रेड हो, तो आप ये कर सकते हैं कि आप काजल लगा दें वाटर लाइन में लगा के, थोड़ा बाहर निकाल के आप लूज़ पाउडर लीजिए, डैप करें हल्का सा, आइज़ के नीचे लगा दें, आपका काजल कहीं नहीं जाने वाला। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मेकअप हैक्स। फॉर मोर फॉलो मी, सब्सक्राइब मी ऑन माई चैनल विच इज फ्रॉम फैशन पाय। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज ऑन यूट्यूब बाय द नेम ऑफ फैशन पाय। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।